हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम क्लास सिक्स सोशल साइंस के एक पीरियोडिक टेस्ट टू के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर टेन तक वन मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एलेवन से क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से क्वेश्चन नंबर एटीन तक फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर वन अशोक का वास आ अशोका था हिंदू जैन बुद्धिस्ट या फिर नन ऑफ दिम करेक्ट आंसर है थ्री बुद्धिस्ट प्रारंभ में अशोक हिंदू धर्म को मानते थे लेकिन बाद में कलिंगा के युद्ध के बाद ऐसा मानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था क्वेश्चन नंबर सेकेंड मथुरा इस एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ मथुरा किसकी पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ऑप्शन वन लॉर्ड रामा सेकेंड लॉर्ड विष्णु थर्ड लॉर्ड कृष्णा और फोर्थ बोथ वन और टू ये भगवान कृष्ण की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कृष्णा क्वेश्चन नंबर थ्री हु कीप द लैंड रिकॉर्ड भू अभिलेख कौन रखता है फर्स्ट पटवारी सेकेंड तहसीलदार थ्री कलेक्टर और फोर्थ वार्ड काउंसलर लैंड रिकॉर्ड्स को रखने का काम पटवारी का है इसलिए करेक्ट आंसर है फर्स्ट पटवारी क्वेश्चन नंबर फोर हु इज द हेड ऑफ पुलिस इन आर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एस एच ओ सेकेंड कलेक्टर थर्ड थाना इंचार्ज और फोर्थ है इंच ऑफ पुलिस करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑफ पुलिस क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है एशिया द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है इसलिए आंसर हो जाएगा एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज जी एम टी टाइम ऑफ इंडिया भारत का ग्रीन विच मेन टाइम क्या है इसका करेक्ट आंसर है इट इज फाइव थर्टी आवर्स बिहाइंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन नंबर सेवन हु इज कैजुअल वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स कौन है कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि परमानेंट कहीं पर काम नहीं करते हैं ये कहीं पर भी एक दिन के लिए वन वीक के लिए या मंथली वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें लेबर चार्ज दिया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का है इसलिए यहाँ पर आपको बड़ा मैटर नहीं लिखना है आंसर हो जाएगा कैजुअल लेबर्स आर द वन हु डू नॉट हैव अ परमानेंट वर्क फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर्स मैसून एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर एट राइट डाउन थ्री नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इन रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में तीन गैर कृषि गतिविधियां बताइए इसका आंसर हो जाएगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर डेयरी ट्रांसपोर्टिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्वेश्चन नंबर नाइन। हु वर्क कर्मकार कर्मकार कौन थे कर्मकार वो होते थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी वो दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका को चलाते थे इसका आंसर हो जाएगा कर्मकार वर लैंडलेस पीपल हु अर्न देयर लिविंग बाई वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाई अदर्स क्वेश्चन नंबर टेन ये वन मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है वाई द प्लेस नियर रिवर आर थिकली पॉपुलटेड यानी नदी के किनारे वाले जो स्थान थे वहां पर पॉपुलेशन जनसंख्या ज्यादा क्यों थी नदी के किनारों पर ज्यादा पॉपुलेशन इसलिए थी क्योंकि किनारों के जो स्थान होते हैं वहां पर जमीन या सॉयल ज्यादा फर्टाइल होती है इसलिए आंसर हो जाएगा बिकॉज द सॉइल ऑफ रिवर प्लेन्स इज फर्टाइल इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर तक थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेम द थ्री पैरल रेंजेस ऑफ हिमालय हिमालय की तीन समानांतर श्रृंखलाओं के नाम बताइए आंसर है द थ्री पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय आर पहला है हिमाद्री दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालय हिमाद्री को ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय भी बोलते हैं ये सबसे ऊंचा वाला पार्ट है हिमाचल इसे लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं और शिवालिक ये आउटर हिमालय वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज डेल्टा विच इज लार्जेस्ट डेल्टा डेल्टा क्या है और विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जहाँ पर कोई नदी समुद्र से मिलती है तो अपने साथ वो कुछ मिट्टी को बहा करके भी लाती है धीरे धीरे वो मिट्टी इकट्ठी होकर के एक लैंड एरिया को फॉर्म करती है जिसे कि डेल्टा कहते हैं और ये लैंड एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है इसका आंसर हो जाएगा अ डेल्टा इज अ फर्टाइल लैंड मास फॉर्म्ड बाय द अक्यूमलेशन ऑफ आलोवियल डिपोजिटेड एट द माउथ ऑफ अ रिवर द प्लेस वेयर अ रिवर एंटर द सी द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदर बंस डेल्टा विच इज ट्राइ एंगर इन शेप जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उसे डेल्टा बोलते हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदर बन डेल्टा क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाई द बायो स्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैव मंडल सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोस्फेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लैंड एयर और वाटर है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए इन तीनों चीज़ों की जरूरत होती है इसके साथ ही साथ बायोस्फीयर से उन्हें फूड भी प्राप्त होता है इसका आंसर हो जाएगा द बायोस्फीयर इज होम ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन इको सिस्टम वाइल प्रोवाइडिंग आर रिलेबल सोर्स ऑफ फूड और अर्थ द बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट हेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स लैंड एयर एंड वाटर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राइट मेन सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड इन विलेज कलपट्टू कलपट्टू गांव में जीविका के मुख्य स्रोत लिखिए कलपट्टू तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है जो कि चारों तरफ से लो हिल से घिरा हुआ है यहाँ की मेन क्रॉप है पाड़ी इसके अलावा अपनी जीविका को चलाने के लिए यहाँ के लोग बास्केट्स पॉट्स यूटेंसिल्स और बुलक कार्ड्स को बनाने का काम करते हैं इसका आंसर हो जाएगा कलपटू इज कॉस्टल विलेज इन तमिलनाडु एज द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स पार्डी इज द मेन क्रॉप हीयर मोस्ट ऑफ द फैमिली अर्न आ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर बिसाइड्स एग्रीकल्चर पीपल्स डू मेनी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज सच एज मेकिंग बास्ट्स यूटेंसिल्स पॉट्स ब्रिक्स बुलाकार्रा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाई मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट मथुरा एक महत्वपूर्ण शहर क्यों था मथुरा इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर ट्रेड एंड ट्रेवल्स की दो इम्पॉर्टेंट रूट्स थे इसके अलावा मथुरा एक रिलीजियस सेंटर है यहाँ पर हिंदुओं के लिए जैन के लिए और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल हैं इसका आंसर है इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ

द पोलिस ऑफ एन एरिया रजिस्टर दैट केसेस ब्रॉड टू देर नोटिस बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन टू इन टू इनवेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है ऑन फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट्स विश्व के भौतिक मानचित्र पर लोकेट करना है सेवन कॉन्टिनेंट्स को यूरल माउंटेन को श्रीलंका को और पाक स्टेट को सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आपको इस तरह का कुछ मैप दिया जाएगा जहाँ पर आपको सभी को लोकेट करना है यहाँ पर ये लाइट ग्रीन वाला नॉर्थ अमेरिका है ये वाला एरिया डार्क ग्रीन वाला साउथ अमेरिका है ये वाला एरिया येलो वाला अफ्रीका है ये वाला एरिया लाइट ब्लू वाला यूरोप है ये वाला एरिया रेड वाला एशिया है ये वाला एरिया ये वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया है और मैप में सबसे नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका है अगला आपको श्रीलंका को लोकेट करना है यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया इंडिया है यहाँ पर ये एरिया इंडिया का है और ये छोटा सा आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है अगला लोकेट करना है यूरल माउंटेन यूरल माउंटेन यहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड मैप में लास्ट में आपको पाक स्ट्रेट को लोकेट करना है पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है क्वेश्चन नंबर एटीन ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए पहला लक्षद्वीप दूसरा अंडमान निकोबार तीसरा गोवा चौथा मथुरा और पांचवा मध्य प्रदेश इंडिया के पॉलिटिकल मैप में लक्षद्वीप यहाँ पर लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर लोकेटेड है मध्य प्रदेश यहाँ पर लोकेटेड है मथुरा यहाँ पर लोकेटेड है इसके अलावा गोवा यहाँ पर लोकेटेड है और ये वाला एरिया अरेबियन सी का है और ये वाला एरिया बे ऑफ बंगाल का है कुछ कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे मेरा सजेशन ये है कि आपको जो भी सिलेबस दिया है उसे अच्छी तरह से लर्न करिए और साथ ही इस वीडियो को देखिए दिस इज द एंड ऑफ वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें